हाय, आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ राकेश नायक और आज हम BFA और NFA का डिफरेंस देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि इस चैनल में हम हर एक वीडियो दो डिफरेंट लैंग्वेज में प्रोड्यूस करते हैं, हिंदी और इंग्लिश। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, काइंडली फॉलो कीजिए। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन में भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम DFA और NFA के बारे में काफी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम ये सारे डिस्कशंस का निचोड़ देखने वाले हैं, जिसमें कि डिफरेंस बिटवीन DFA और NFA क्या है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स में देखेंगे। बेसिकली DFA डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को दिखाता है, जबकि NFA नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करता है। DFA में हम नेक्स्ट पॉसिबल स्टेट कौन सा होगा वो डिस्टिंक्टली कह सकते हैं, लेकिन NFA में नहीं कह सकते। अगर आपको याद होगा, हम DFA में डिस्कस किए थे, अगर हम एक पर्टिकुलर स्टेट में हैं और एक पर्टिकुलर इनपुट सिंबल देते हैं तो नेक्स्ट स्टेट कौन सा होगा हम डिटर्मिनिस्टिकली बोल सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेट यही यूनिक स्टेट होगा। लेकिन NFA में ऐसा नहीं होता है। अगर हम एक स्टेट में हैं और एक इनपुट सिंबल देते हैं तो हो सकता है कि एक से ज्यादा स्टेट में ये ट्रांजिट करे। नेक्स्ट डिफरेंस है, DFA में हम लोग के पास एम्प्टी स्ट्रिंग का ट्रांजिशन डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन NFA में एम्प्टी स्ट्रिंग का ट्रांजिशन हम डिफाइन कर सकते हैं। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, लेकिन NFA इजी होता है। क्यों? क्योंकि NFA में हमको हरेक स्टेट के ऊपर हरेक इनपुट सिंबल को डिफाइन करना जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है, DFA को हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक ही मशीन है, लेकिन हम NFA को जब समझना शुरू करें तो ऐसा लगता है ये बहुत सारे छोटे छोटे मशीन्स हैं। नेक्स्ट डिफरेंस ये है, DFA में हमको हर एक स्टेट के ऊपर हर एक इनपुट आउटपुट डिस्कस करना पड़ता है, लेकिन NFA में ऐसा नहीं है। बैक ट्रैकिंग अलाउ होता है DFA में, लेकिन NFA में अगर हो सके तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में जब हर एक स्टेट और हर एक इनपुट के ऊपर हमको डिस्कस करना पड़ता है, इसका मतलब हमको मोर स्पेस चाहिए, लेकिन NFA में लेस स्पेस चाहिए होता है। आशा करता हूं कि आपको ये डिफरेंसेस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम एप्साइलॉन NFA के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।